देश के किसान पूरे देश के किसान बर्बाद करना चाहते हैं। और भी क्या 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 बात है, देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा, ये देश का किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरे खेत आए, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का, ये बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश ठिकेदार भट्टा करेगा। साजिश खुल गई जी, आप रो क्यों रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर हुआ क्या नहीं खाली करने का हुआ क्या नहीं खाली करने का नहीं खाली करने का नहीं मेरे मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर आएगा उसका इल्जाम वो पूछ लगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। नोट वापसी हो गए जिस कोच के लिए आए हैं, यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो पुलिस को क्या बोला, पुलिस को ना धोखा करी पुलिस प्रशासन। यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया, मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे। यहाँ पर अत्याचार है, देश के किसानों के साथ में अत्याचार हुआ, दुकान के साथ में हुआ, ये अब नहीं होगा, नहीं होने का। जो पुलिस वाले आए थे उनको क्या बोला आपने? पुलिस वाले यहाँ पर कुल मिलाकर के न्यूज़ ऑनलाइन के साथ।